जनपद संभल के बेहजोई में ऑटो चालक यूनियन ने नगर पालिका परिषद द्वारा की जा रही उगाही को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सीओ को सौंपा। जनपद संभल के जिला मुख्यालय बेहजोई में संचालित होने वाले ऑटो रिक्शा यूनियन ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद के द्वारा उनसे पैसों की उगाही की जा रही है, जिसको लेकर आज ऑटो रिक्शा यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंपा। अभी जानकारी में आया है, मैं यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया था, परंतु यहाँ पर बेहजोई नगर के कुछ टेम्पू चालक हैं एकत्रित थे। उन्होंने बताया है कि नगर पालिका के द्वारा 30 रुपये पर डे और 10 रुपये अतिरिक्त रूप से हर धर्मतदा के साथ वसूल किए जा रहे हैं, जो कि बिना शासनादेश और बिना किसी जानकारी के वो लोग वसूल कर रहे हैं। उस विषय में यहाँ पर एकत्रित हुआ और उनका विषय सुना है। मैं उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पूर्वक विषय ला रहा उसका प्रयास कर रहा हूँ। सिंह, हाँ, टेम्पू चलाता हूँ मैं। नगर पालिका 30 रुपये रोज और 10 रुपये एक्स्ट्रा से मांग रही है, ऊपर से पर्ची काट के दे रही है, और 360 रुपये सालाना ही ले रही है वर्ष के। नगर पालिका के चेयरमैन साहब कह रहे हैं चाहिए, मौजूदा चेयरमैन साहब कह रहे सतीश बादशाह, सतीश चंद बादशाह, रमेश चंद बादशाह, हाँ खुद का। हाँ हम नहीं दे पाएंगे साहब इतने पैसे। हाँ डंडा ले लेके, वीडियो बनी हुई है साहब, डंडा ही वीडियो बनी हुई है। चेले चाटे थे उनके कर्मचारी है, उनके कर्मचारी है। याद राम सिंह, क्या समस्या है आपकी? ये नगर पालिका वाले परेशान कर रहे हैं, 30 रुपये भाई और 10 रुपये अलग से है, पर्ची काट रहे हैं 30 रुपये की और 300 रुपये साल की, 360 रुपये साल की, और जो है का नगर पालिका वालों को डंडा लेके वहाँ खड़ा कर रखा है, उनसे बदतमीजी करा रहे हैं सबको वहाँ।